गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं लाजित मोहम्मद आप लोगों का हमारी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। जैसा कि बच्चों अपन ने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चन किए थे, आज अपन अगला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं अपने पास में। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूँ, एज वाला क्वेश्चन आपके पास में, तो द एजेस ऑफ राहुल एंड अरुण आर इन द रेशियो, रेशियो दे दिया 5:7, 4 ईयर लेटर यानी कि 4 साल बाद में, द सम ऑफ देयर एज विल बी 56 ईयर, 4 साल बाद में उनकी एज का सम क्या गया वो कितना हो रहा है 56, व्हाट आर द परसेंटेज, तो उनकी परसेंटेज पूछी आपसे यानी उसकी वर्तमान आयु पूछी आप लोगों से। राहुल और अरुण उनकी आयु का अनुपात दिया आपके पास में कितना, 5:7, ठीक। फिर 4 साल बाद में क्या बोल दिया गया कि उनकी आयु का योग हो रहा है, सम योग हो रहा है कितना हो रहा है 56 ईयर, वाट आर द परसेंटेज, तो उनकी परसेंट वर्तमान आयु पूछिए आप लोगों से। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं अपन, जैसे तो सॉल्यूशन सबसे पहले क्या करोगे कि परसेंटेज आपको देने रही, तो सबसे पहले और जो एज दे रही थी वो किस में दे रही थी आप लोगों से, रेशियो में दे रही थी, तो आपको एज को मानना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, लेट या एज्यूम, लेट परसेंट एज ऑफ राहुल, राहुल की परसेंटेज ले रहे हो आप लोग इज 5x, 5x इसी प्रकार एंड परसेंट एज ऑफ हर 7x, ये आप लोगों ने दोनों की एज मान ली। अब अपन को क्या करना है, आफ्टर 4 साल, 4 साल बाद में की बात की गई है, तो इसमें लिखा आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आफ्टर फोर ईयर 4 साल बाद ये बात हूं मैं आप लोगों के पास में, तो ये बताऊ 4 साल बाद में राहुल की एज जो दे रही थी उसमें 4 साल एडिंग बढ़ेगी, और इसी प्रकार अरुण की एज जो दे रही थी उसमें भी 4 साल बढ़ेगा, ऐसे तो है नहीं कि राहुल बढ़ी है 4 साल तो अरुण रह गया, ठीक। तो क्या करोगे आप लोग यहां पर, आफ्टर 4 ईयर एज ऑफ राहुल इट्स कितना 5x+4 और एज ऑफ अरुण, अरुण की एज क्या हो जाएगी आपके पास में 7x+4, कोई डाउट। इसके बाद में वापस अपन ने यहां पर बोला गया 4 साल बाद उनकी एज का सम बोला गया, यानी 4 साल बाद उनकी एज को क्या करना है, उनका जोड़ करना है, एडिशन करना है, तो इन दोनों को 4 साल बाद उनकी एज लिया 5x+4 ये तो राहुल की, और 7x+4 ये आपके पास में अरुण की, इन दोनों की एज का सम करके किसके इक्वल कर दो 56 के, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वापस एज ऑफ राहुल प्लस एज ऑफ अरुण इस बल पर कितना 56, ये दे रहेगा आपके पास में यहां पर, राहुल की एज कितनी है मैंने यहाँ पे, राहुल की एज कितनी देर की आपके पास में 5x+4+, फिर अरुण की एज देर की आपके पास में 7x+4=6, ये देर की 5x और 7x कितना हो गया आपके पास में 12x, 4+4 कितना हो गया 8=56, अब 8 का ट्रांसफर कर दो तो 12x 56, 8 इधर आते हैं इसका हो जाएगा माइनस का, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा 12x = 56 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 48। अब यहाँ पे आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू के लिए क्या करोगे, ये 12 इसके मल्टीपल में, तो 12 इसकी क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो x = 48/12 और 12 इधर से 4 टाइम्स,
यानी कि एक्स की वैल्यू आएगी 4। तो अब देखो ये एक्स की वैल्यू दे रही है 4, और अब आपसे पूछा गया था व्हाट आर द परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज पूछी आपसे। तो देखो परसेंटेज क्या होता है, मानिए आपने 5x, देखो ये 5x आपस में मल्टीप्लाई है, और यहाँ पर अरुण की जो एज दे रही है 7x, ये 7 और आपके पास में यहाँ पर मल्टीप्लाई है, एक्स की वैल्यू आ रही है उसमें परसेंटेज में, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई आपके पास में 4, तो ये आ रहा है तो 4 किससे मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो 5 × 4 कितना रहेगा 20 है, यानी कि राहुल की एज तो कितनी आ जाएगी आपके पास में 20 है, एंड अरुण की कितनी आ जाएगी 28 है। तो यहाँ पर कर देता हूँ उसको, तो इट्स एज ऑफ राहुल इज 5x इज इक्वल टू, नहीं हो गया आप लोग यहाँ पर 5 × 4 कितना रहेगा 28। इसी प्रकार एज ऑफ अरुण, और उनकी कितनी रहेगी आपके पास में यहां पर 7x, यानी कि 7 × 4 28। तो ये आपके पास में जो क्वेश्चन दिया है मैंने एज वाला, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, यदि आप लोगों की कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप में मेरे पास में क्वेश्चन का सर इस क्वेश्चन में मेरे पास प्रॉब्लम है या इस स्टेप में प्रॉब्लम है, मेरे पास मैसेज कर सकते हो। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, यहाँ पर आप लोग तो अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ये भी इस वाला क्वेश्चन आपके पास में, इस क्वेश्चन में बोल रहा है बाइजंस फादर्स इज 20 ईयर यंगर देन बाइजंस, ठीक, इसका मतलब यह है कि बाइजंस के पिताजी है वो बाइजंस से 36 साल का है, जवान है, यानी कि बर्थडे है। फिर उसके बाद ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाइजंस, लेकिन बाइजंस के दादाजी है उससे 29 साल का है, छोटे हैं यहाँ पर, तो द सम ऑफ एज ऑफ ऑल थ्री इज 135, तीनों की एज का सम दे दिया आपके पास में कितना 135 ईयर्स, व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम, इनकी प्रत्येक की क्या बोला गया है एज पूछी गई है। तो आप लोगों के पास में इक्वेशन है, वो इक्वेशन सही बना लोगे तो क्वेश्चन आपके पास में क्या रहेगा इजी से सोल्व हो जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन को करते हैं अपन यहाँ पर सोल्यूशन, इसका वापस दोहरा रहा हूं यहाँ पर, बाईचंद के पिताजी है यहाँ पर वो 36 साल है बाईचंद की से, बाईचंद की जो एज है उससे, लेकिन बाईचंद के पिताजी है वो बाईचंद के दादाजी के 29 साल छोटे हैं यहाँ पर, ठीक। तो ऑब्वियस सी बात है दादाजी सबसे बड़े होंगे यहाँ पे, तो आप लोग क्या करोगे सबसे पहले लेट एज ऑफ बाईचंद इज एक्स वाले आपने कितनी एक्स ईयर एंड एज ऑफ फादर्स बाईचंद के पिताजी की एज कितनी रहेगी यहां पर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो बाईचंद के पिताजी वो बाईचंद से कितने साल बड़े हैं 26 साल ले रहेगी आपके पास में, तो क्या रहेगा एक्स प्लस 26 ये बाईचंद के पिताजी आ गए। अब जब तो 29 साल क्या है वो दादाजी से छोटे हैं, तो आप लोग यानी कि दादाजी ये जो कि वो इससे भी क्या होगी 29 साल बड़ी होगी, यही होगा, तो क्या करोगे आप लोग एंड एज ऑफ ग्रैंडफादर ग्रैंडफादर की एज कितनी जाएगी आप एक्स प्लस 26 तो है और इसमें कितना ऐड कर दोगे आप 29 और ऐड कर दोगे ये होगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले तो बोला गया आपने द सम ऑफ द एज ऑफ ऑल थ्री तीनों की एज का सम दे रखा आप इस बार, तो यहां पे क्या होगी एज ऑफ
भाई संग प्लस पिताजी की एज प्लस इसकी ग्रैंडफादर की एज, तीनों की एज का सम देते कितना 130, 135। ये दे रखा आपके पास में यहां पर, तो भाई संग की एज कितनी मानी आपने x प्लस पिताजी की एज कितनी थी x प्लस 26 और ग्रैंडफादर की x प्लस 26 प्लस 29 इस कर दो कितना आपके पास में 135। ठीक, ऐड करो x प्लस x और x तीनों को ऐड कर लो, यहां पर कितना जाएगा आपके पास में यहां पर 3x प्लस इनको ऐड कर लो आप लोग तो कितना जाएगा आपके पास में यहां पर 9 प्लस 6 15 15 में 6 ऐड किया कितना हो गया आपके पास में यहां पर 21 का 182 और 2 कितना जाएगा आपके पास में यहां पर 81 ये आएगा इज इक्वल टू 185। इस 81 का क्या कर दोगे आप उधर ट्रांसफर कर दोगे तो 3x इज इक्वल टू 185 माइनस 81 माइनस क्या आएगी वैल्यू आपके पास में यहां पर 81 उधर बताते तो 3x इज इक्वल टू इस मैसेज को सेपरेट करोगे आप लोग यहां पर तो 5 में से 1 सेपरेट किया कितना आया 8 फिर सॉरी 8 क्या 4 फिर आपके पास 13 है 13 में से 8 सेपरेट करोगे तो कितना देगा 5 ये आएगा आपके पास में यहां पे 54। अब x की वैल्यू थी तो x इज इक्वल टू कितना जाएगा 54 अपॉन में 3 की टेबल इसको काट दो कितने टाइम जाएगी कट जाएगी आपके पास में 18 टाइम तो x इज इक्वल टू कितना आपके पास में 18 और x क्या मान लिया आपने यहां पर बाय इन केस तो क्या जाएगा तो देन एज ऑफ किसकी निकालोगे पिताजी की तो एज ऑफ फादर कितनी जाएगी आपके पास में एक्स प्लस 26 मानी थी आपने एक्स प्लस 26 तो एक्स की वैल्यू रख दूं मैं सीधा आपके पास में 18 प्लस 26 कितनी हो जाएगी 44 ईयर्स। इसके बाद में एज ऑफ किसकी ग्रैंडफादर की दादाजी की तो एज ऑफ ग्रैंडफादर की एज क्या मानी थी आपने यहां पर एक्स प्लस 26 तो पिताजी की थी उसमें 29 और ऐड कर दी तो पिताजी की एज कितनी है आपके पास में 44 सीधा इसी में ऐड कर दो आप लोग यहां पर तो 44 प्लस 29 कितने जाएगी आपके पास में यहां पर 73 ईयर्स। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को वापस रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले तो देखा आप लोगों के पास में बोला गया था यहाँ पे कि बाईस अंक की एज नहीं दे रखी आपके पास में, बाईस अंक की एज से बड़े हैं पिताजी कितने साल 26 साल और पिताजी से भी 29 साल कौन है दादाजी। तो सबसे पहले अपन ने तीनों की एज मान ली यहाँ पर अक्स तो बाईस अंक की मानी फिर पिताजी की एज में क्या करोगे आप 26 ऐड क्योंकि पिताजी बड़े थे यहाँ पर फिर उसके बाद में पिताजी की एज में क्या ऐड कर दोगे आप 29 ये दादाजी की एज आएगी फिर तीनों की एज का सम किया आपने यहाँ पर कितना हो रहा है 135 तीनों का सम किया आपने यहाँ पर यहाँ से आपने क्या निकाल लिया अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया आपने ये अक्स की वैल्यू आप यहाँ रख दोगे सबसे पहले तो 22 अंक की एज आई जाएगी आपके पास में 18 ईयर फिर यहाँ पर ऐसी पिताजी की एज आएगी अक्स की वैल्यू कितनी रखोगे आप लोग यहाँ पर 18 और 26 ऐड करते 44 फिर दादाजी की एज फाइंड आउट करोगे तो दादाजी की एज में पिताजी की एज जो देरी की थी आपके पास में 44 उसमें 29 ऐड कर दो ये आपके पास में दादाजी की एज आ गई। तो उम्मीद करता हूँ जो आप लोगों को ये क्वेश्चन बताया ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मैं और आपके पास में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके पास में इस प्रकार है तो अपने पास में यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार है सुनीता इज ट्वाइस एज ओल्ड एज द अक्षिमा If 6 year is subtracted from the Akshima's age and 4 years added to his Sunita's age, इसका मतलब हो गया आपके पास में यहाँ पर कि सुनीता की एज है सुनीता इज twice is old as Akshima, सुनीता की एज है वो अक्षिमा से क्या है आपके पास में यहाँ पर डबल दे रखी है क्या दे रखी है डबल दे रखी है दो गुनी
उसके बाद में बोला गया इफ सिक्स ईयर, सिक्स ईयर यदि छह सब साल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द अक्षिमा, यदि अक्षिमा की एज में छह साल क्या कर दिया जाए अपन यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, एंड फोर ईयर एडेड टू सुनीता एज, और चार साल क्या कर दिया जाए सुनीता की एज में क्या कर दिया जाए एड कर दिया जाए, देन सुनीता विल बी फोर टाइम्स, फोर टाइम्स सुनीता की एज क्या हो यहाँ पे फोर टाइम्स एज द अक्षिमा, तो सुनीता की एज होगी वो अक्षिमा की एज से फोर गुना हो जाएगी। तो बोला गया हाउ ओल्ड वेयर दे टू ईयर एगो, तो दो साल पहले उनकी एज कितनी थी, दो साल पहले की बात कर दी गई यहाँ पे, प्रेजेंट एज की बात नहीं की गई यहाँ पर, तो मैं प्रेजेंट एज मान रहा हूँ आप लोगों के पास में। सबसे पहले एज मान ली अपन यहाँ पर, देखो सुनीता इज ट्वाइस इज ओल्डर देन अक्षिमा, अक्षिमा की एज की डबल है, कौन है सुनीता, तो यदि मैं अक्षिमा को अक्ष मानता हूँ तो ये कितनी हो जाएगी टूक्स हो जाएगी, डबल का मतलब ये होगा दो गुना, ट्वाइस का मतलब डबल यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा मैंने एज ओ अक्षिमा इट्स एक्स ईयर, ये किसकी एज आई आपके पास में अक्षिमा की, देन एज ऑफ सुनीता एज क्या हो जाएगी टू एक्स ईयर, ये होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले यहां पर, तो क्या बोला गया सिक्स ईयर सब्ट्रैक्ट द सिक्स ईयर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम अक्षिमा एज, अक्षिमा की एज से कितना कम कर दिया जाए छह साल कम कर दिया जाए, तो क्या करोगे आप लोग यहां पर एज ऑफ अक्षिमा क्या हो जाएगी एक्स माइनस सिक्स ईयर, ठीक। और सुनीता की एज में क्या कर रहे हो आप लोग यहां पर चार साल एड कितनी हो जाएगी एज कितनी ले लूं टू एक्स प्लस का फोर ईयर, ये होगी आपके पास में यहां पर। उसके बाद में क्या बोला है ये इतना करने के बाद में क्या हो रहा है देन सुनीता विल बी फोर टाइम्स अक्षिमा एज, अक्षिमा की एज से सुनीता की एज क्या हो रही है आपके पास में यहां पर चार गुना, इतना करने के बाद में क्या हो रहा है देन सुनीता विल बी, सुनीता की एज है वो अक्षिमा की एज से क्या हो रही है चार गुनी, तो ये बताओ ये वाली एज है सुनीता की एज क्या हो रही है अक्षिमा से क्या हो रही है चार गुनी, ये वाली हो रही है, यदि मैं सुनीता अक्षिमा को चार से गुना कर दूं तो दोनों की एज बराबर होगी नहीं होगी, होगा नहीं होगा, देखो सुनीता की एज बोला गया है यहाँ पर कि सुनीता की एज है वो इतना करने के बाद में यानी कि अक्षिमा की एज में से छह कम कर दिया जाए और सुनीता की एज में क्या कर दिया जाए चार एड कर दिया जाए, तो सुनीता की एज है वो अक्षिमा की एज से चार टाइम हो रही है, फोर टाइम हो रही है, कितनी हो रही है फोर टाइम हो रही है, तो यदि मैं अक्षिमा की एज को फोर से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों की एज इक्वल होगी नहीं होगी, यही होगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वापस चले, तो क्या करोगे आप लोग यहां पर एज ऑफ अक्षिमा इक्वल एज ऑफ सुनीता, हाँ जी सुनीता की एज और अक्षिमा की एज को क्या करना है मेरे को इक्वल करना है, तो मैंने कहा सुनीता की एज फोर टाइम हो गई यहां पर, तो मैं अक्षिमा की एज को क्या कर दूं फोर से मल्टीप्लाई कर दूं तो सुनीता की एज के बराबर आ जाएगी, सुनीता की एज टू एक्स प्लस का फोर दे रखा आपके पास में यहां पर, इसको क्या कर दो अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा फोर एक्स माइनस का फोर को सिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू टू एक्स प्लस का फोर, इसका इधर ट्रांसफर कर दो, ठीक टू एक्स का तो इधर कर दो और ट्वेंटी फोर का उधर कर दो, तो यहां पर फोर एक्स टू एक्स इधर किसका हो जाएगा माइनस का इक्वल टू ट्वेंटी फोर दे जाते इसका हो जाएगा प्लस का, और प्लस में क्या दे रहा है फोर चल रहा है आपके पास में यहाँ पर, तो फोर एक्स में से टू एक्स सेपरेट किया तो कितना आया टू एक्स इक्वल टू ट्वेंटी एट, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा ट्वेंटी एट अपॉन में टू, कितने टाइम आपके पास में यहाँ पर फोर्टीन टाइम, कितने टाइम फोर्टीन टाइम, ये एक्स की वैल्यू आई, किसकी वैल्यू आ गई आपके पास में यहाँ पर एक्स की वैल्यू,
ठीक। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पर, एक्स की वैल्यू आगे तो परसेंटेज में रख देता हूँ यहाँ पर, तो एज ऑफ परसेंटेज क्या हो जाएगी आपके पास में यहाँ पर, अक्सीमा की तो एज हो जाएगी यहाँ पर, एज ऑफ अक्सीमा एक्स इक्वल टू कितना है आपके पास में 14 ईयर परसेंटेज में, ये है आपके पास में यहाँ पर, और एज ऑफ क्या बोला गया आपके पास में यहाँ पर सुनीता, तो सुनीता की एज दे रखी आपके पास में यहाँ पर इज 2x, यानी कि 2 × 14 कितनी हो जाएगी 28 ईयर। ये तो परसेंटेज आ गया आपके पास में। अब यहाँ पे बोला गया हाउ ओल्ड दे वेयर दे 2 ईयर एगो, दो साल पहले की बात कर ली यहां पर, तो क्या कर लोगे यहां पर, टू ईयर एगो ठीक, दो साल पहले, तो क्या कर दोगे आप लोग यहां पर, एज ऑफ अक्षिमा इट्स 14 - 2 यानी कि 12 ईयर, और एज ऑफ सुनीता इज कितनी हो जाएगी 28 - 2 कितना 26 ईयर। देखो यदि मैं सुनीता की एज अक्षिमा की एज में 2 कम करूंगा तो सुनीता की एज में भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि 2 साल पहले की बात की गई थी। तो जो आज ये क्वेश्चन पढ़ाया मैंने आप लोगों के एज वाले क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आए होंगे। अब अपन नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इसके कुछ और क्वेश्चन एक्स्ट्रा लेके आएंगे और फिर अपन एक्सरसाइज को कंटिन्यू जारी रखेंगे। थैंक यू।